हेलो एंड वेलकम चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं राफ्ट सर्वाइवल में। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे वरुणा पॉइंट और आज हम लोग जाने वाले हैं टेम्परेंस। अभी यहाँ पर तूफान सा आ रहा है पानी में, मेरी राफ्ट इधर से उधर हो रही है लेकिन पलटेगी नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पलटने नहीं वाली है। तो मैंने कुछ कुछ चीजें राफ्ट में करी हुई, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। हम लोग चलते हैं सीधा पहले नीचे और इसके बाद भी अभी हमको टेम्परेंस जाने से पहले एक ग्रीन आइलैंड में जाना है जहाँ से मेरे को कुछ स्क्रैप बाय करना है और हमको कुछ और चीजें बाय करना, टाइटेनियम वगैरह बाय करना है क्योंकि मेरे को कुछ कुछ चीजें करनी। पहले तो मैंने एक और ये बना के नेस्ट बना के मैंने यहाँ पे फ्लावर वगैरह लगा रखा। अभी 100% एफिशिएंसी पर काम नहीं कर रहा, मेरे को कुछ और ऐसे पॉट्स लगाने, बट काम चल रहा हमारा। उसके अलावा मैंने दूसरा जो काम कर रखा वो ये कर रखा है मैंने कि यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ टैंक लगा रखा और यहाँ से पाइप से कनेक्ट कर रखा है। ये मैं ऑफ कैमरा नहीं करना चाह रहा था बट हुआ क्या कि यार मेरे को ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ इसको करने में क्योंकि बहुत ज्यादा ना चीजें लग रही थी, मैं कभी इधर से उधर भटक रहा था, कभी चीजें कलेक्ट कर रहा था, बहुत मेहनत लग रही थी तो मैंने इसको कर लिया पहले ही। तो ये अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये है। उसके बाद आता है हमारा पानी वाला टैंक, मैंने इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। इसकी बैटरी भी जाने वाली है यार वैसे, बट आई थिंक इसमें बैटरी पानी काफी है। तो यहाँ से जो पानी है वो चढ़ेगा ऊपर और ऊपर में अगर आपको दिखाऊं ये कहाँ पे जाने वाला है तो यहाँ पे हमारा, मैंने ऊपर से इसको नीचे शिफ्ट कर दिया अपने ग्रिल को, यहाँ पर हमारा खाना पकेगा, यहाँ से हम लोग खाने इसमें पका हुआ खाना स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा पीने का पानी, मतलब यहाँ से अगर मेरे को पानी भरना है तो मैं यहाँ से भर सकता हूँ और ये जो पानी यहाँ से ऊपर जाता है मैंने पर्दे लगा रखे हैं ताकि दिखे कुछ नहीं है ना। उसके बाद अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पानी है यहाँ पर आता है। अब मुझे स्प्रिंकलर की बैटरी, एक तो मेरे को नई एडवांस वाली बैटरी में कन्वर्ट करना है और दूसरा मुझे जो काम करना है वो ये करना है कि मुझे कुछ और लगाने, क्योंकि एक से काम नहीं चलने वाला। मैंने बोला ना कि हर बार जब भी मैं गेम स्टार्ट करता हूँ या तो बारिश हो जाती है या फिर रात हुई रहती है और अभी वापस से ना बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे। चलो फिलहाल अभी तो मैं पानी डाल लेता हूँ बट हाँ ये चीज मैं ऑटोमेटिक करना चाह रहा हूँ। आज हम लोग जहाँ पे जाने वाले ना गाइस वहां से हमको कुछ और एडवांस ब्लूप्रिंट वगैरह मिलेंगे तो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। मुझे पता नहीं अभी कि कौन सा मिलने वाला बट जो भी मिलेगा हम उससे काम में लेके आने वाले हैं। अब चलते हैं एक बार यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे अपना क्या चल रहा है। यहाँ पर बैटरी है अपने पास और एक बैटरी मेरे को कहीं के लिए तो चाहिए थी ना, पानी वानी के लिए उसमें लगानी मुझे एक बैटरी। बाकी यहाँ पर अपना मेटल वगैरह स्मेल्ट हो रखा है, मेरे पास वुड है थोड़ा सा, हाँ इसमें भी लगा लेते हैं और इसमें मैं थोड़ा बहुत ना मेटल वुड वगैरह निकाल लेता हूँ। खाली बैटरी है मेरे पास, कोई बैटरियां इधर डाल लेता हूँ और मेरे पास 1, 2, 3 ये निकालते हैं। ये ना मेरे पास ब्रिक्स नहीं है वरना मैं और ये लगाने वाला था। यहाँ पे देख रहे हो ये जो फर्नेंस है हमारा, इसमें स्मेल्ट हो रहा है ये सब, थोड़ा और मैं एक्स्ट्रा रखता बट अभी मेरे पास चीजें है नहीं। यहाँ से ये ले लेते हैं और ये सब काम आएगा आज हमारे। स्क्रैप वगैरह बनाना है मुझे थोड़ा और स्क्रैप वगैरह यहाँ पर रख लेते हैं। मेरे को ना मेनली स्क्रैप लेना है, स्क्रैप अपने पास कम है तो मेरे को कुछ कुछ चीजें और क्राफ्ट करनी थी तो यही सब हम लोगों ने करा है। उसके अलावा बाकी कुछ खास मैंने चेंजेस वगैरह करे नहीं हुए, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो मेरे को करना है। ये वाला पार्ट मैंने खाली पार्ट रह गया तो देखते हैं। बट फिलहाल हम लोग अभी वरुणा पॉइंट जाने से पहले ना किसी ग्रीन आइलैंड में चलते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी ये वाले ग्रीन आइलैंड, ये ग्रीन आइलैंड नहीं है, एक ग्रीन आइलैंड और होने वाला है। फ्यूल है भी, ओके 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 ओके, पहले ये इसको हटाते हैं। अबे हट जा जल्दी से यार, हमको देर हो रही है बहुत सारे काम करने। पर्दों को करते हैं थोड़ा क्लोज ताकि हमको क्लियरली दिखे यहाँ पर हमको कहाँ जाना है। अब हम चलते हैं राइट और ये जो एक ग्रीन वाला आइलैंड दिख रहा ना गाइस, यहाँ पे मेरे को पहले जाना है ताकि थोड़ा सा अपना सामान बेच के आ जाऊं और ट्रेडिंग पोस्ट होगा वहाँ पे। फ्यूल खत्म हो चुका अपना, नहीं फ्यूल खत्म कैसे हो गया यार, फ्यूल तो होना चाहिए ना इसमें फ्यूल, तो ये सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बल्कि मेरे को एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, बैटरी वाला भी मुझे नीचे ही लेके आना है ना, तो वो भी और दूध लगा के लेके आता हूँ साथ में। हनी यहाँ पर रख लेता हूँ और एग यहाँ पर रख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे इसमें हनी, 1, 2, 1, 2, उसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें एग। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मैं दूध निकाल के लेके आता हूँ, फट से दूध डालता हूँ इसमें ताकि दूध से भी हमारा ये जो बायोफ्यूल है वो बन जाता है। अभी मेरे पास वो कैंची तो, अरे नहीं ये नहीं करना है मुझे, सॉरी कहाँ गया ये, एक बाल्टी, सॉरी तुम लोग दूध नहीं देते, दूसरी बाल्टी। अब मेरे को एक ये वाला भी मिला है, मैंने कहीं से कैप्चर किया था इस बंदे को, तो दो हमारे पास हो चुके, दो ही बकरियां यार, दो बकरियों का दूध इतना निकल रखा है। अब इसको डालते हैं इसमें, 200 शायद भर जाता है, नहीं 3 से भरता है एक बार में, बट ठीक है। बाकी कुछ कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा मेरे को डालनी पड़ रही है तो वो सब बहुत बेकार हो रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट काम जो करना है उसको भी ना फटाफट कर ही लेते हैं क्योंकि इसका यहाँ पर कोई सेंस बन नहीं रहा, इसमें हमारा जो वायुफ्यूल वेस्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और जगह है कि मेरे पास बैटरी रखने के लिए, सारी बैटरियां नीचे शिफ्ट करता हूं मैं के। अभी हम लोग चलते हैं नीचे और ये मैंने खड्डे बना रखे हैं, मेरे को बंद करना है यार, ये नीचे आने के लिए शॉर्टकट तरीका है वैसे, पर ठीक है। अब हम लोग को ना एक वो करना है तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कर लूँ इसको, मैं ये वाला यहाँ पे कर लूँ। ओ कनेक्ट हो चुका है, ऑल राइट। तो अब जाके हमारा ये भी, मतलब मुझे बार बार ना इसमें अलग से बायोफ्यूल डालने की जरूरत है ही नहीं, जो यहाँ से बचेगा
क्योंकि कुछ होता है कि एक बार में जो हमारे एक डब्बे में होता है, डब्बे में 60 अगर आता है तो यहाँ पे एक बार में 50 लगता है, 10 हमारा वेस्ट हो जाता है, तो वो जो वेस्ट होगा वो यहाँ पर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। काम बहुत ही आसान हो गया मेरा गाइस, देख रहे हो बहुत बहुत आसान हो गया। इसको करते हैं यहाँ पे और पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। चलिए ये सब यहाँ पर बन रहा है, ये रस्ते में सा हो रखा है ना। अब मैं इसको अभी अगर हटाता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसको अभी छोड़ते हैं। और मैंने बाहर से भी थोड़े बहुत रास्ते बना रखे हैं। अगर मैं आपको बाहर का रास्ता एक बार दिखाऊं, ये देखो यहाँ से हम लोग सीधे शॉर्टकट अभी ऊपर चल सकते हैं और यहाँ से अंदर। तो ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत ईजी बना रहा हूँ अपनी राफ्ट को, ताकि हमको ऊपर नीचे जाना बहुत ईजी रहे। मेरे को इतना सारा खाना कुक करना है यार, खाना कुक करने के लिए रखना है। क्या हम लोग एक और वो बना सकते हैं क्या? एक बार पहले टाइटेनियम ये सब यहाँ पर रखो, स्क्रैप भी यहाँ पर रखता हूँ। क्या हम लोग एक एडवांस ग्रिल और बना सकते हैं? अगर बन जाएगा तो बहुत बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। एडवांस ग्रिल, प्लैंक और स्क्रैप, अपने पास स्क्रैप ही तो नहीं है यार, स्क्रैप नहीं है ना अपने पास, स्क्रैप लाना है मेरे को। और एक, हाँ एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, ये बैटरी वाला कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग? पहले तो इसको कहीं पर लगाता हूँ मैं अपना सोने का जुगाड़, जब भी टाइम मिलता, वैसे टाइम तो मिलता नहीं बट जब भी टाइम मिलेगा मैं इसमें सो जाया करूंगा। इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर लगा लेते हैं। और कुछ है अपने पास? नहीं है। चलिए अब जाके मुझे बैटरी वाला ना जुगाड़ करना है मेरे को, पहले ये यहाँ से खाली करना है। अब मुझे यहाँ से सारी बैटरियाँ रिमूव करनी होंगी पहले, वरना ये सब गायब हो जाता है। तो साथ साथ खाना भी अपना कुक करते जा रहा हूँ मैं। जितना खाना बचा हुआ है वो मैं अभी फिलहाल यहाँ पर डाल रहा हूँ, अभी अपने पास जगह नहीं है। पानी की बोतल एक मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, एक काम करता हूँ भर के डाल देता हूँ पानी की बोतल ना, इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको ले लूंगा। फट से ये हो गया और ये अपना हो गया। इसमें ये वाला पानी डाल देते हैं और बाकी प्लास्टिक, प्लास्टिक का अपना जो ये है ना ये है, ओ सॉरी बैटरी नहीं डालनी, सिर्फ प्लास्टिक डालना है। वाइन ग्लू वगैरह यहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है कहाँ पर अपनी, ये है यहाँ पर डाल देते हैं। वाइन ग्लू वगैरह ये भी डाल ले रहा हूँ, यहाँ पर डाल ले रहा हूँ। अब मुझे निकालनी यहाँ से बैटरीज, सब निकाल देना। इसको हम फिलहाल तो कैप यहाँ पर रखते हैं। अब ये वाला खाली है ना, इसको मैं अभी यहाँ से निकाल रहा हूँ, इसको बाद में देखते हैं यहाँ पर क्या करा जाए। मुझे ऐसा लगता है इसकी जरूरत यहाँ पे, आप देखो बैटरी हमारे पास बहुत सारी है, एडवांस भी हैं और वैसी वाली हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे। अबे इधर से पलट जाए, इस साइड को पलट जाना, हाँ ये अब हुआ ना काम बेहतरीन वाला। तो यहाँ पर अपनी सारी बैटरीज में डाल रहा हूँ, चाहे वो चार्ज हैं या फिर खाली। ओ एक सेकंड, को निकालो जरा, इसको निकालो, दो बैटरियाँ सही हो गया। अब बहुत बहुत सारी चीज़ें हमारी सही हो चुकी है, काम बहुत आसान हो गया अपना। तो यही मुझे करना था और ये मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसको चार्ज पर लगाते हैं यार, ये वाली बैटरी बहुत ज़्यादा टाइम में चार्ज होती, तो इसको ज़्यादा चार्ज पर लगाऊँ मैं। और जो बाकी की फालतू बैटरीज है ना ये मेरे को ऊपर काम आएंगी, बस तीन बैटरी मैं ऊपर के लेके चल रहा हूँ और बाकी सब नीचे रहेंगी। अब हम लोग चलते हैं ऊपर और यहाँ पे भी, क्योंकि मेरे को बैटरी चाहिए, तीन जो बैटरीज है वो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। इसकी बैटरी निकालो, इसको रखो यहाँ पे और इसमें लगाओ नई वाली बैटरी। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं क्या? शायद पहुंचने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो नया दिन हो चुका है और अभी हम लोग आ चुके हैं अपने राफ्ट से एक नए वाले आइलैंड पे। मैं थोड़ा ना बैक करके अपनी राफ्ट को लगाना चाह रहा हूँ, तो इसको पूरा हम लोग टर्न करते हैं। आई होप कि मेरे को दिख रहा हो, नहीं दिख रहा यार, एक सेकंड बैक, अबे बैक हो जा। ऑलराइट, अब जाके हम लोग इसको लगाते हैं बैक करके। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इससे, ओह शिट, क्या करा मैंने, आई थिंक हम लोग लग चुके हैं। इंजन करते हैं ऑफ। यार बायोफ्यूल बनाना में बहुत हालत खराब हो रही है अभी। तो मेरा प्लान ये है कि आज अगर मुझे वहां पे ना, एक तो ये लेके चलना है अपने साथ, एक तो ये लेके चलना है और ये लेके चलना है, ठीक है। साथ में एक्सप्लोजन के लिए हमारे पास ये है, एक ही है, चलो एक ही है पहले, फिर लेके चले जाएंगे। और प्लास्टिक रखता हूँ मैं यहाँ पे, ये सीड से फालतू का सामान, ये सब ये भी काम आएगा हमारे, इसको भी रखते हैं। और मेटल को रखते हैं हम लोग यहाँ पे, मेटल अपने पास बहुत है। देखो मेरे को बनाना था ना ये वाला, जो हमारे पास विंड मिल हमको बनानी थी, तो विंड मिल के लिए मेनली मेरे को ये सारा सामान चाहिए हो रहा है। खाना अपने पास आई थिंक है, ओके है, चल जाएगा खान, लेके चलता हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन केस अगर जरूरत पड़ेगी तो। मेरे को एक और ग्रिल बनाना है, मुझे लगता है कि एक और ग्रिल हो जाएगा ना अपने पास, तो बहुत काम आसान हो जाएगा अपना। एक और चाहिए मुझे यहाँ से, छह। ओ शिट, मेरी वो कहाँ गया? आ जाओ, कहाँ गए तुम, कहाँ गए पहले मेरे को दिखाओ। एक बार पहले इसी को मार के जाता हूँ, इसने दिमाग खराब कर रखा है मेरा हर टाइम, जब भी कुछ काम करता हूँ लगी गले के अंदर, सीधे गले के अंदर तीर मारूंगा मैं हर बार ना, ये अपना बो लेके जाना भूल जाता हूँ। मुझे पता है इनके लिए एक ही तरीका, ये करो इनको, वरना पानी के अंदर इनसे टकराना मतलब तुम मार लोगे, लेकिन उससे पहले दो बार ये तुम्हें मार लेगी। फाइनली मर गई है, अभी मैं फटाफट से ना इसका सामान सारा लेके चल रहा हूँ, अभी मरी हुई है। ओके ऊपर चलते, तो पहले ना आइलैंड के ऊपर, अरे यार मैं आइलैंड में जा रहा हूँ लेकिन आइलैंड
जाने के लिए जो सामान चाहिए ना इंपॉर्टेंट, एक तो इतना बड़ा आइलैंड मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, फट से वो सामान पहले लेके आता हूँ। मेरे को नीचे से भी स्टेयर्स बनानी ऊपर जाने के लिए, ताकि ऊपर जाना थोड़ा इजी रहे अपने को, मुश्किल ना हो। ओ मेरे पास ये बहुत सारा है, ट्रेड कॉइन भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। एक तो ये वाला ट्रेड कॉइन है, ऊपर भी मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं, इतना सारा ट्रेड कॉइन अपने पास। ये है ना, ये भी बन रहे हैं यहाँ पर, अभी कंटिन्यू बने जा रहा है। ये ट्रेड कॉइन्स हो गया, और उसके साथ ही मैं इसका जो मीट है ना, इसको करता हूँ कुक करने रखता हूँ इसको। इसका जो हेड है, इससे हम लोग बनाने रख देते हैं यहाँ पे बायोफ्यूल। ठीक है, चलिए अपना काम हो गया, मतलब सारी तैयारियां करनी पड़ रही है एक के बाद एक काम। चलिए अब वापस हम लोग निकल रहे हैं ऊपर से आइलैंड का। यार यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट हमको आगे जाना पड़ेगा जहां से हमको स्क्रैप वगैरह मिल सकता है। मैं सोच रहा हूँ यार पहले ना स्क्रैप के लिए हम लोग ऊपर ही चलते हैं, यहाँ फायदा है नहीं, क्योंकि नीचे ना बहुत मेहनत लगेगी स्क्रैप इकट्ठा करने में, बट मेरे को रास्ता देखना है। ओके तो हम लोग ट्रेडिंग पोस्ट तक आ चुके हैं। ओह शिट, मेरे को लगा कि ये क्या है यार, मैं डर गया अभी। इसको मेरे को पकड़ के लेके जाना है, जाते टाइम पकड़ के लेके जाऊंगा, बट पहले हम लोग थोड़ा लूट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, ये भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और कुछ है यहाँ पे काम का ये भी ले लेता हूँ, ये है। और साथ में फट से हमको ना यहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट हमको क्या लेना है, टाइटेनियम लेना है पहले तो, थोड़ा मेटल लेना है, एक्सप्लोजिव गू भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, वैसे है मेरे पास काफ़ी। यार वाइन गू भी यहाँ पर मिलना चाहिए ना, वाइन गू क्यों नहीं मिलता, आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। ये बहुत सरदर्दी है यार, पता नहीं क्यों जाता है। एयर हॉर्न भी चाहिए कि हमको, एक ले लेते हैं एयर हॉर्न। अबे मार दिया मेरे को लग रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई टेंशन नहीं, फट से ले लेता हूँ। टाइटेनियम कहाँ गया, मेटल आउट ऑफ स्टॉक, कॉपर भी आउट ऑफ स्टॉक। यार मेरे पास क्या खत्म हुआ, कुछ तो खत्म हुआ मुझे ऐसा लग रहा है। ओ ट्रेडिंग खत्म सारा सामान, अबे खत्म ही हो गया। 15 स्क्रैप लिया मैंने, 15 सारा कुछ सामान लिया। स्क्रैप 15 ना बहुत कम हो जाएगा, 15 से भी काम नहीं चलने वाला। तो देखते हैं पहले ऊपर एक बार चेक करके आते हैं वहाँ पे क्या सामान है, बाकी इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी मुझे लगता नहीं, यहाँ पर ये कुछ काम करने वाला। मैं भूल गया इसमें बैटरी कहाँ से लगती है यार, क्योंकि ये खत्म होने वाली इसकी बैटरी। फट से ऊपर चलो, फट से, रुकना नहीं है, ये पत्थर मारते रहेगा, इससे बच के रहना बस, और कुछ नहीं। ऑलराइट, तो एक चेस्ट यहाँ पे ये थी, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा बैरीज मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से कूद जाएं क्या नीचे को, थोड़ा खिसक खिसकते हुए चलते हैं। अब मेरे को ये लोड करना है, इसके आने का इंतजार करना है, ये मेरे को मारने भी तो आएगा ना यार, उसका ध्यान देना, और मुझे इसकी एक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देना है। पकड़ लिया, निकलो यहाँ से सीधा। इसको ना सबसे पहले ऊपर ट्रांसपोर्ट करके आता हूँ, क्योंकि अच्छा मैंने उस साइड से नहीं बनाई हुई है, एक मेरे को यहाँ से ऊपर जाने के लिए भी बनानी, ताकि अपना काम बहुत आसान हो जाए, बाहर से अंदर से सब जगह से ऊपर जाने का रास्ता हो जाए। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। एग ले लिया ना मैंने, कलेक्ट कर लिया ना एक एग, ये है। और अब चलता हूँ सीधा नीचे, बट एंकर मैं निकालता हूँ यहाँ से। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आइलैंड के आसपास, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं ना। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को अभी लेनी है, पहले तो ये रख लेता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है, इसकी भी अभी नहीं है। स्क्रैप वगैरह सारा कुछ है। ये हॉर्न कहाँ पर लगाना है मेरे को, एक बार देखूँ जरा इसको कहाँ पर लगाने का ऑप्शन आ रहा है। अरे मुझे लगा था कि कुछ और ही होगा, कुछ खास है नहीं। अबे इंजन क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा। चलिए हम लोग सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग मिलते हैं। थोड़ा स्क्रैप पहले इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। स्क्रैप अभी मेरे पास ना 30 हो चुका है, तो अभी अगले कुछ टाइम तक स्क्रैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने ना वाइन गू बहुत ले लिया, तो 15 अपने पास वाइन गू है। मेरे को एक सेम टाइप का ज़ेब्रा टाइप का जो पैटर्न में एक बंदा यहाँ पर और दिख रहा है, बस हमको अब यहाँ से जाना है। मैं थोड़ा सा इसको देख रहा हूँ। ओ मुझे लगा था कि मिस कर दिया, लेकिन नहीं, सही जगह पर हम लोगों ने मारा उसको। मैं वेट ही कर रहा था कि पलटेगा जैसे, क्योंकि जब आगे जा रहा होता ना तो तब मिस होने के चांस बहुत होते हैं। इससे पहले कई बार मेरा मिस हुआ है, लेकिन अब नहीं, अब मेरे को पता है कि मुझे कब लॉन्च करना है। मैंने यहाँ पर 2 शार्क को मार दिया, लेकिन उसके बाद फिर से वापस वो आ चुकी है। खैर अब हम यहाँ से चलते हैं, जितना वाइन गू था सब मैंने ले लिया। अब हमको अगले कई दिनों तक ना किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पास मेटल है, अपने पास साइटेनियम है। अब मुझे सबसे पहले विंड मिल बनानी, तो पहले विंड मिल बनाते हैं। तो विंड मिल के लिए मेरे को चाहिए 4, एक सेकेंड, अपने पास और सब कुछ ही तो है अपने पास। विंड मिल बना ली मैंने। अब बात यह है कि ना 4 बैटरी लगने वाली इसमें। अब मुझे ये देखना है कि विंड मिल लगाऊं कहां पे। मैंने ना यहां पर अपने वो लगा रखे हैं एकदम टॉप पे, जगह बना के उनके लिए। विंड मिल ना मैं यहां पर भी तो लगा सकता हूं, यहां पर जगह है काफी सारी यार। ये देखो यहां से ये रहेगा ना मैं बैटरी एक सेकंड पहले इसको रिमूव करो यहां से। परफेक्ट जगह है विंड मिल के लिए, एक ही काफी है अभी के लिए हिसाब से। ओके एक, ओ नहीं 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 मैं बेवकूफ हूँ क्या।
विंड मिल में हमको लगानी खाली बैटरीज ताकि हम लोग जो बैटरी है उनको चार्ज कर सकें। 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही होगी। अब हम फिलहाल तो गाइस यहाँ से निकलते हैं, हम लोग चलते हैं वापस से जो आइलैंड था 3406 था उसका 3406 टेम्परेंस। आई थिंक हम लोग सही जगह पर जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। चलिए सीधा मैं आपको मिलता हूँ टेम्परेंस में। और गाइस तो फाइनली हम लोग उस वाले आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। बस यहाँ पर वैसा दिखा रहा है मेरे को 487 मीटर्स, बट हम लोग पहुंच गए। मेरे को सामने कुछ टावर वगैरह दिख रहा है जहाँ पर हम लोग अभी जाते हैं। यहाँ पर ना रास्ता थोड़ा खराब है, बीच बीच में जो बर्फ की ये देखो इस टाइप की वो बनी हुई है चट्टाने टाइप की, थोड़ा संभल के चलना होगा क्योंकि अपनी राफ्ट ना पीछे से देख रहे हो कितना बड़ा है यहाँ पर। ये देखो ये सब चीजें हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उसको हटा भी दूँ क्योंकि अब उतना सारा सामान अपने को इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राफ्ट अपने अपग्रेड हो चुके हैं। ज्यादातर चीजों के लिए हम लोग अभी वुड के बजाय बैटरी यूज कर रहे हैं, बट फिर भी अभी छोड़ देते हैं, अभी हम लोग चलने देते। देखो सामने मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक टावर सा कुछ दिख रहा है और यहाँ पे कुछ ट्री वगैरह दिख रहा है जो कि इस एरिया पर ट्री होना बहुत अजीब सी बात है, बट है हमको दिख तो रहा है। 425 मीटर थोड़ा सा और आगे जाना होगा। अभी हम लोग आ चुके हैं शायद। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या यहाँ से मुझे पैदल चलना चाहिए या फिर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग ना यहाँ से पैदल ही जा सकते हैं। अभी उतना बड़ा एरिया तो होगा नहीं, जो भी है यहीं पर लगाता है क्योंकि मुझे कोई सही सा स्पॉट और दिख नहीं रहा इसको लगाने के लिए अपनी राफ्ट को। तो यहाँ पर रुक भी चुकी है, इसको बंद करते हैं। और मैंने सारी तैयारी कर ली, इतना सारा मैंने सुपर फूड भी बना रखा है कुछ ये सब चीज़ें, तो ये सारी काम आने वाली है हमारी। और यहाँ पर एक और ग्लास मैंने कुछ बनाया था ना, इसको भी लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने किचन वाला एरिया बनाया जहाँ पर हमारा पानी है, फ्रिज है और अपने पास ये वाला सामान है। पानी थोड़ा ना पी लेता हूँ, खाना भी खाना है मेरे को, पानी अब भर लेता हूँ। हाँ तो हमारा खाना है यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग जूसेस वगैरह और जो सुपर फूड है वो भी बना सकते हैं। तो सारा का मैंने एक एरिया बना रखा है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक बेडरूम है और अपने रिसर्च टेबल भी मैंने यहाँ पर रख ली। एक मैंने एक डोर बनाया था बट अनफॉर्चुनेटली मैंने ये लगा रखा है तो इसको ना आगे शिफ्ट करना होगा, उसके बाद से ये एरिया पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, बन जाएगा। मैंने खाना लेके चलता हूँ यार एक्स्ट्रा। एक सेकंड, बैटरी नहीं है क्या यहाँ पे? ओ बैटरी लेके जा, एक बैटरी लगाता हूँ। मैंने कुछ तो यहाँ पर चीज़ ड्रॉप कर दी ना, बाकी अपनी बैटरी यहाँ पर ना चार्ज हो रही है। देखो ये सब तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। अब एक बार ऊपर चलते हैं, एक बार रास्ता देख रहा हूँ मैं कहाँ से जा सकते हैं। शार्क भी मेरे को दिख रही है यहाँ पर यार, खत्म कर लिया। फिलहाल हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं आइलैंड की तरफ को। और क्या मैं सही से जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं पता नहीं। एक सेकंड ना, मेरे पास कंपास था तो मैं कंपास से ना रास्ता देख लेता हूँ कि हम डायरेक्शन कौन सी हमारी वेस्ट। तो हमको ना वेस्ट में आना है इनकेस अगर मैं भटकता हूँ, ठीक है। वेस्ट की साइड में हमको आना है, वहां पर मुझे कुछ तो दिखा था, मुझे ऐसा लगा था। अब यहाँ से रास्ता होगा, यहाँ पर हमको स्नो मोबाइल भी मिलेगी, उसको भी हम लोग उसको चलाते हुए जा सकते हैं। बाकी मेरे को सामने एक टावर दिख रहा है, उन टावर से हमको ना इलेक्ट्रिक वायर लेनी है, उसके बाद हमको कुछ जो इग्लूज है उनको लिट अप करना है। मैं देख रहा हूँ कि रास्ता है क्या कहीं से जाने का यार, बहुत खतरनाक सा एरिया, कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है जो हमारे पास। बस सही से हो जाए खाना, फिलहाल मेरे को खाना खाना है। मैं आलू ये सब सामान लेके आ रखा हूँ, आई होप कि ये चल जाए। मरे ना यहाँ पर बेर भी होंगे शायद, पता नहीं यार क्या होने, कौन कौन से होने वाले यहाँ पे। बट फिलहाल मैं थोड़ा ध्यान से, मैं विलेज में पहुंच चुका हूँ मुझे लग रहा है ऑलरेडी शायद। हाँ यहाँ पे हमको इन इग्लूज को जो कि स्नो के तो है ही नहीं, उनको लाइट अप करना होगा। और सामने मेरे को कुछ दिख रहा है, एक बार मैं जरा देखूं जाके इसको कि क्या चीज है। ये साथ में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर कोई, ओ ये तो ओपन सा एरिया मेरे को लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे जाने के लिए हमको क्या चाहिए, कुछ चाहिए? ओ नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। कुछ तो हमको यहाँ देखो, स्नो मोबाइल मेरे को एक दिख गई, कुछ तो ना यहाँ के लिए अलग टाइप का स्पेशल टाइप का हमको वो चाहिए होगा सूट, जिसको पहन के हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं। और उसके लिए शायद हमको ये लाइट अप करना होगा, इलेक्ट्रिक वायर। पहले इनको इकट्ठा कर लो, मेरे को बहुत सारी इकट्ठी करनी होंगी और उसके बाद यहाँ से वहाँ बिजली ट्रांसफ़र करनी है। ये हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए और उसके बाद यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ से ना इसको कहाँ पर कनेक्ट करना है, मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद करना होगा। ऑलराइट, अब उसके बाद एक ही है ना मेरे पास अभी इलेक्ट्रिक वायर, पहले इलेक्ट्रिक वायर कलेक्ट करनी होंगी मेरे को बहुत सारी। ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। ये तो कनेक्ट हो नहीं रहा यहाँ पर, मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ उसके बाद मैं यहाँ से वायर लेके, अब नहीं है मेरे पास इलेक्ट्रिक वायर, तो मेरे को पहले ही मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक वायर ही लेके आनी पड़ेंगे बहुत सारी, क्योंकि ये तो विलेज है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वायर तो मुझे नहीं मिल रही है। स्नो मोबाइल मिला था एक, बट उसको लेके हम लोग जाएँ क्या? एक मेरे को टायर वहाँ पर दिख रहा है, मुझे लग रहा है ना कि हमको अपना स्नो मोबाइल निकालना पड़ेगा, उसको लेके जाना पड़ेगा, वरना ऐसे जाना यहाँ पर थोड़ा सा रिस्कियर होने वाला है। यहाँ पर कौन कौन से जानवर रहेंगे जो अटैक करेंगे वो मुझे अभी नहीं पता। ओ एक नोट भी मिला, नोट ले लेते हैं। ये तो मैं ले चुका हूँ ना यार, वो कहाँ है स्नो मोबाइल? ये है, चलिए अब मेरे को देखना है कि रास्ता कहाँ से, क्योंकि हर जगह तो इसको चला नहीं सकते ना, रास्ते में ही चला पाएंगे। एक मेरे को
ये दिख रहा, तो पहले ना सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक वायर है वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ये तो इजीली मिल जाएंगे ना मुझे, दिख रहा आराम से। ओ शिट ओ शिट तो कनेक्ट, ये तो अटैक कर रहा है, ये रुकेगा क्या? ये रुकेगा, गया। इतना मुश्किल नहीं है यार, आराम से मार सकते हैं इसको। मुझे वो मामा बेयर वाला डर लगा था, मुझे लगा कहीं वो उसी टाइप का कुछ ना हो, बट मेरे को मलहम भी लेके आना चाहिए था यार। ले आऊँ मैं, फट से लेके आता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए आज यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो मैं हीलिंग सेल्फ लेके आ चुका हूँ। इनकेस अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। वैसे मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, या तो लेके नहीं जाता या फिर लेके गया भी होता हूँ तो भूल जाता हूँ। अभी मुझे शायद मैंने अपनी स्नो मोबाइल कहीं पर तो खड़ी करी थी ना यार, मैं लेके आया था उसको, शायद इस वाले टावर में खड़ी करी थी, क्योंकि यहाँ पर ना पैदल चलना थोड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लग रहा है पैदल चलने में। नहीं, ये तो विलेज है आई थिंक, वहाँ पर खड़ी करी थी, तो पहले वहाँ पर चलते हैं, वहाँ से उसको लेके आते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हाँ एक यहाँ पर मेरे को स्नोमोबाइल दिख रही है। ऑलराइट, अब ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। सामने मेरे को दो कुछ तो दिख रहा है यार, वो वहाँ पर जाना होगा हमको। पहले हमको मेनली क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक वायर कलेक्ट करके लेके आनी है, जो विलेज है उसको पूरा लाइट अप करना है, वहां से सारा कुछ होने वाला है। ये कितना सही जगह दिख रही है यार, मन कर रहा है यहाँ पर जाने का, क्या चीज़ है एक बार देख। एक बार पहले हम लोग इलेक्ट्रिक वायर ही कलेक्ट कर लेते हैं यार, इतनी जगह नहीं देखते, यहाँ पर ना भटकने का बहुत खतरनाक हुआ है। एटलीस्ट मुझे अब ये पता है कि मेरी जो राफ्ट है ना वो वेस्ट साइड में है, इनकेस अगर मैं भटकता हूँ तो मैं आराम से चले जाऊँगा, पर कोई टेंशन नहीं है, है ना। कंपास लाने का फायदा हो रहा है मेरे को। ऑलराइट, एक अपने पास हो गया, लेकिन बहुत सारे चाहिए मुझे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीधे जा सकते हैं आराम से? ओ नहीं यार, ओ शिट, जंप करने का था यहाँ पे यार। मैं वापस एक बार ट्राई करने वाला हूँ, इस बार ना थोड़ा सा सीधा लेके आऊँगा इसको, स्लाइड बहुत कर रहा है ना, ये दिक्कत ये है। अरे यार ये फिर हम और तरीके से नहीं जा सकते क्या उधर पे? मुझे लग रहा है शायद यही तरीका है वहाँ पर जाने का। एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पर भी हमको मिल जाएगी, बट मुझे लग रहा है शायद तरीका यही है वहाँ जाने का। आ जा तू, आ जा आराम से आ जा, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये काम आएगी यार, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला यहाँ पे। कितना कमज़ोर है यार, ये कुछ नहीं कर पा रहे। एक मारा इसने मतलब, बट ठीक है इतना कोई स्लो बहुत है, मुझे लगा था इससे डर स्टार्टिंग में, बट बस इसके इससे डर, बच जाओ। ऑलराइट, तो कम से कम यहाँ से खाना हमको बहुत सारा मिलने को है, बहुत मिल जाएगा खाना। अब ऐसे टाइम पर ना हीलिंग ये काम आने वाला है, इलेक्ट्रिक वायर, और ऐसे ही करके मेरे को सब जगह से करना होगा। बट पहले ना मुझे वापस एक बार ट्राई करना है यार वहाँ पे जाके, मैं एक बार वापस ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पे जाने का। कहाँ गया वो? ये है ना वो, मुझे लग रहा है ये अलग जगह आ चुका हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर ना सब जगह ये होने वाले हैं बेर। मुझे लग रहा है वो तरीका काम नहीं कर रहा, हमको ना इस तरीके से करना होगा इसको जब भी अटैक करना है। तो ये तो खुद ही रुक जा रहा है, मारने भी वाला है क्या मेरे को ये? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मारने वाला हमको? ओ शूट मलम लगाओ जल्दी से, भागो यहाँ से। अबे यार यही जो चीज़ें सोचनी थी वो भी हो गई, मतलब मेरे को लगा नहीं था ये मार पाएगा, लेकिन इसने भी हमको मार दिया। हमेशा ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ यार? अब इतना दूर मेरे को वापस से जाना पड़ेगा यार, हल्के में ले लिया मैंने उसको, ताकत थी उसमें। ऑलराइट, अब जाके मेरे को थोड़ा ध्यान से इसको मारना होगा, क्योंकि इसने मेरे को बहुत डैमेज दे रहा है। इसी चीज से मेरे को बचना है यार। ओके, अब समझ में आया मेरे को, बस साइड हो जाना और कुछ नहीं करना था यार। मैं इतनी देर से खाली परेशान हो रहा था, बस मेरे को साइड हट जाना है जब ये जंप कर रहा है, क्योंकि तभी अटैक कर रहा है, उसके अलावा कभी भी ये अटैक नहीं कर पा रहा है। इलेक्ट्रिक वायर मुझे लग रहा है कि शायद हो चुकी है, मैंने काफ़ी सारे कलेक्ट कर लिए। एक बार ना वहाँ पर मेरे को जंप करना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे को कुछ काम की चीज़ें दिखी थी। चलते हैं एक बार वापस से, आई थिंक ये भी है एक जगह, या फिर यहाँ पर हम लोग जाके आ चुके हैं एक बार, होके आते हैं। मुझे लग रहा है ये नई जगह है शायद, नहीं यहाँ पर होके आ चुके हैं, यहाँ पर लाइट जली नहीं है ना। हाँ, मुझे ऊपर चढ़ना है वहाँ पर एक बार और, मैं ट्राई करने वाला हूँ। मैंने जो रेसिपीज बनाई थी ना यार, वो गई काम से। मेरे को थोड़ा सा ना इधर से लेके जाके इसको, अब हम लोग लेके चलते हैं, अब शायद हम लोग जंप करा लेंगे। आई हो, हाँ
तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं काम की। ओ थैंक गॉड हमको ये सारी चीजें मिली क्योंकि बहुत जरूरत थी इन सब चीजों की। खाना खत्म हो चुका था अपना, तो ड्रिंक अपने को मिल गया, अपने को खाना मिल गया थोड़ा सा, और ज़्यादा कुछ है नहीं, बट ठीक है चलेगा, काम चलेगा। ऑलराइट, तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक वायर गैस मैं लेके आ चुका हूँ, अब मुझे बस इनको ना कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ से कुछ कनेक्ट करना है इस वाले को, तो हम लोग यहाँ से लेके जाते हैं। और मैं नीचे तक तो लेके आ चुका था ना, हाँ मैं नीचे तक लेके आ चुका था, मुझे इसको यहाँ से कनेक्ट करना है, हो चुका है ना। हाँ अब जाके यहाँ से ये वाला गेट शायद एंटर अभी हुआ नहीं, अब मेरे को इसको कनेक्ट करना है इस वाले में। तो पहला हमारा जो घर है उस पर लाइट अप हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है क्योंकि एक साथ मैंने उसको कनेक्ट करा हुआ था पहले से। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें अपने को मिल रही हैं, जिम है एक पूरा, और कोई नोट वगैरह मिलेगा तो मैं वो देख रहा हूँ बस। वेंडिंग मशीन कॉइन, ये मेरे को पहले भी कहीं पर मिला हुआ है वेंडिंग मशीन कॉइन। ऑलराइट, तो ये काम आएगा शायद हमारे आगे, ले लेता हूँ। और भी कहीं पे है नहीं, ओके तो ये भी हो चुका है। उसके बाद आई थिंक इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बना नहीं हुआ है, उसके बाद मुझे सामने लेके जाना है, बस गलत ना करूँ क्योंकि गलत करूँगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ। और उसके बाद यार इसमें दोनों में नहीं है, इस वाले में है, यहाँ से करना होगा ना। ठीक है ओके, ये ओपन हो चुका है। थोड़ा बहुत सामान, नोट और खाना। ये हॉस्पिटल वाला कैबिन है कुछ। ओह हीलिंग अपने को दोबारा मिल चुका है, मैं मरा भले ही लेकिन मेरे पास सारा सामान वापस से वैसा का वैसा हो चुका है, तो बहुत काम आने वाला है, अब बचा के रखना ये सब चीजें। ऑलराइट, तो ये भी हो चुका है। उसके अलावा यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग इस वाले में। हाँ तो यहाँ से अब हम लोग ना सप्लाई ले सकते हैं। मेरे को जैसे कि यार कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, प्लेट कप ये सब चीज़ें नहीं। मुझे लगा था कि कुछ काम की चीज़ें मिलेंगी, बट हम बाद में देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें ले जाएंगे क्योंकि इसका वैसे कोई इस्तेमाल होने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो मैं लेके जाऊँगा। ये थोड़ा बड़ा मेरे को लग रहा है। ऑलराइट, तो ऊपर चल रहे हैं और यहाँ पर भी मेरे को कुछ टोकन्स मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये है और टोकन्स हैं, और यहाँ पर वही लकड़ी वकड़ी एक और टोकन है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अब चलते हैं यहाँ से सीधा नीचे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने सारे के ओ एक यहाँ पे सारे के सारे घर मैंने लाइट अप कर लिए हैं, और इलेक्ट्रिक वायर बच रही है मेरे पास। इलेक्ट्रिक वायर तो आई थिंक अपने पास है, अभी एक बची हुई है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसका भी इस्तेमाल करना होगा, बट मैं देख रहा हूँ कि कहीं अगर कोई घर होता है तो उसको मैं कनेक्ट कर लूँ। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि शायद हमको जो सामने दिख रहा है ना कुछ लाइट से जली हुई, उस वाली बिल्डिंग में जाना है। अब अगला जो कुछ मिलने वाला है वहाँ से मिलेगा, कुछ की वगैरह हो गया, कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी, तो पहले वहीं चलते हैं। मुझे दिख भी नहीं रहा रास्ता उधर जाने का कहाँ से, बट शायद हम लोग सही जा रहे हैं। हाँ रास्ता दिख रहा है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर चलना। एक स्नोमोबाइल यहाँ पर भी है, और यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। ऊपर भी लेके जा सकते हैं इसको, नहीं अभी, लेकिन मैं ऊपर लेके नहीं जा रहा हूँ, अभी हम चल रहे हैं सीधा ऊपर और देख के आते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ के लिए की तो मेरे पास शायद है नहीं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। सेलेन की, ओके तो सेलेन की तो अपने पास है नहीं गाइज यार। मुझे लग रहा है कि जो रिएक्टर वाली जगह थी ना, पहले मुझे वहां पर जाना था। हाँ पहले वहां जाना होगा। ठीक है कोई बात नहीं, पहले वहां से की लेके आते हैं। ओके तो ये वाली वो जगह थी, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, और यहाँ शायद कुछ तो होगा रिएक्टर में जाने से पहले। चलिए नहीं, वापस आ रहा हूँ। यहाँ पर डैमेज मिल रहा है, यहाँ नहीं जा सकता मैं पहले, तो इसका मतलब है कि कहीं और कोई जगह होगी इससे पहले, वहाँ मुझे जाना होगा। ठीक है चलते हैं, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मिल जाएगा कुछ ना कुछ। अलर्ट, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं एक नई जगह पे, जहाँ पे ये क्या था, मुझे एक बिल्डिंग दिखी थी लेकिन मुझे लग रहा वो तरीका था नहीं, हमको नीचे से जाना पड़ेगा। तो यहीं पर रास्ता बना हुआ प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर ना रास्ते बने हुए, मैं रास्ते से आते गया और मुझे एक रास्ता ओ शिट, ये मैंने उस टाइम पर भी देखी थी यार। मुझे यहाँ के लिए भी पानी वाला चाहिए था क्या, कुछ मारना पड़ेगा इसको, इसको मारे बिना हम जा भी नहीं सकते यहाँ से शायद। ऑलराइट, तो रास्ता बना हुआ था, आराम से वहाँ से गया मैं और हम लोग आ चुके हैं। अब एक सेकेंड, मैं वापस आ गया, मैं तो मेरे को अंदर जाना है। ठीक है ध्यान से यार, मेरी ना पूरी की पूरी इन्वेंट्री भरी हुई है, तो मैं क्या पीऊँ, मैं मेरे को लगता है कि मुझे ये पी लेना चाहिए शायद अभी। ओके मैं इसको उठा नहीं सकता अभी के लिए, मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से रास्ते दिख रहे हैं बहुत खतरनाक, तो शायद हमको आगे जाना होगा इस बार ना, उसको मारने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं सीधे आगे निकलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमको कहीं तो निकलना है यहाँ से,
हम लोग निकल तो रहे हैं, कहीं मैं बाहर दूसरी जगह ना निकल जाऊँ। अरे नहीं 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 ओके, यहाँ से अब रास्ता है प्रॉपर। ओके तो थोड़ा सा खतरनाक, मैं टॉर्च भी लेके आया था लेकिन अब अपने पास टॉर्च भी नहीं है। यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे और फाइनल, हाँ शायद मेरे को लग रहा है ये रास्ता होगा नीचे से जाके। कोई बात नहीं, हम लोग नीचे से जाएंगे। बहुत ईजी है यार ये वाला, मेरे को काफ़ी ईजी लग रहा अभी तक तो। हमको पूरा विलेज लाइट अप करना था, उसके बाद से हम लोगों ने वो सब काम किया। मेरी यार मेरी इन्वेंटरी ना पूरी की पूरी भर गई है, अब मैं कुछ नहीं ले जाने वाला, मैं बाद में देखूंगा। या वैसे भी ये सब सामान हमारे पास है। ओके तो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पर वो तारे वारे देखने वाला कुछ काम हमको करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें, ये क्या है द स्पीयर, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा ये। एक नोट और मिला हमको, नहीं नोट नहीं मिला, वही थर्ड मिल चुका हमको। एक बार मैं देख रहा हूँ, हमको फर्स्ट चाहिए, चार हमको मिल चुका, हमको फर्स्ट चाहिए। वो फर्स्ट मिलेगा कहाँ पे यार? फर्स्ट वाला मेरे को लग रहा है नीचे होना चाहिए फिर तो। हम यहाँ पे तो आ चुके हैं, यहाँ पर भी नहीं है शायद, यहाँ पर नीचे वाले में हो सकता है आई थिंक। ओ नहीं नहीं यहाँ पर भी कुछ तो है, ये तो वही वाला है यार जहाँ से हम लोग आए थे। यहाँ कुछ नहीं होने वाला, मेरे को एक और चाहिए, एक जिसमें शेप बनी हुई होगी, तब जाके हम लोग उसका कोड डाल पाएंगे। वो मुझे लग रहा है कि मिल गया शायद, क्योंकि अब दिखा नहीं रहा हो। हाँ अब यहाँ पर ना दिखा नहीं रहे वो सब चीज़ें, तो शायद मुझे लग रहा है कि मिल गया। तो हमको सबसे पहले, मैं पहले ये देखूँ कि हमको कोड डालना कहाँ पे है। कोड हमको यहाँ पर डालना है। ओके 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 ओके, अभी तक मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही थी। ओके पेज टर्न करते हैं। हाँ नहीं नहीं यार हमको एक और ढूंढना पड़ेगा गाइस, हमको एक ढूंढना पड़ेगा वो इसके ऊपर जाने का। ओके यहाँ मिल जाएगा फिर तो, यहाँ पक्का मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। ये मिल गया ना? नहीं ये नोट है और ये है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलिए अब जाके हमको ये देखना है, सबसे पहले मेरे को एक बर्ड टाइप की देखनी है। ऑलराइट ये तो मुझे लग रहा है कि बोट आई थिंक। मेरे को ना नोट करने पड़ेंगे फट से, क्योंकि एक जितने मिल रहे मैं ढूंढते जाता हूँ और साथ साथ नोट करते जाता हूँ। कोड मेरे को देखना है और मेरे को ये देखना है कि स्टार कितने हैं इसमें। तो इसको थोड़ा सा, एक दो तीन चार दिख रहे हैं अभी तक, हाँ चार हैं इसमें। ऑलराइट अब मुझे सिर्फ एक ढूंढना है और वो मैंने कहीं पर देखा हुआ था, आई थिंक ये है 1864। आई थिंक मुझे लग रहा है 1864 होगा इसका कोड, एक बार देख लेते हैं 1864। ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं 1864 कहाँ गया। कैंसिल कैसे होगा ये? ओके 1964 होगा, 1964 1964 नहीं, फिर तो कुछ गड़बड़ है। तो 1964 नहीं है ये। एक सेकंड जल्दी से इसको फिक्स करते हैं यार, क्या कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। अब मुझे देखना है, मुझे लग रहा है इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है डक वाले पे, तो एक बार इसको देखते हैं वापस से। डक देखना है मुझे, वो मुझे लग रहा है ये है डक। एक दो तीन चार पाँच, 5964 हो सकता है, 5964। हाँ ऑलराइट है। ओके तो यहाँ से हमको मिला है एडवांस स्टेशनरी एंकर। ओके तो ये भी काम का है, ये मिला है और सेलेन की मिला है। अब हमारा यहाँ से काम हो चुका है, अब निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वहाँ पर ना कन्फ्यूज़ करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे दिए हुए थे। अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है। एक सेकंड, नीचे जाने का रास्ता कौन सा है? ऑलराइट मैं यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता हूँ ना, अब मेरे को इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी तो डायरेक्ट आ सकता था, मुझे नीचे से आने की शायद ज़रूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये रास्ता है तो यार मैं यहाँ से आराम से आ सकता था। मैं गिरी गया था ना वहाँ पे, गिर गया था हाँ, इसलिए। यार ये इससे पहले कि हमको मारे, यहाँ से निकलो निकलो यहाँ से निकलो निकलो, बस हो गया बस हो गया। मेरे को मुझे लग रहा है कि एक बार मेरे को अपने राफ्ट में जाना चाहिए वापस, और जो सारा सामान है ना वो रख के आना चाहिए। तो गाइस वापस मैं आ चुका हूँ अपना जो भी इन्वेंटरी था उसको खाली करके। अब हम चल रहे हैं वापस उसी वाली जगह पर, सामने मेरे को दिख रही है वहाँ पर हमको जाना है और वहाँ से हमको काम करना। नहीं नहीं मुझे शायद यहाँ पर जाना है। ओ मुझे यहाँ पर जाना, नहीं 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 यहाँ पर नहीं, पहले हमको उधर जाना है उसके बाद यहाँ भी आना है। ऑलराइट तो बहुत सारे काम करने, पहले हम लोग चलते हैं वो रिएक्टर वाली जगह पर, या फिर वहाँ से हमको शायद कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मिलेगा जिसके बाद हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। शायद कुछ ऐसा सूट मिलेगा जो यहाँ पे काम कर सके, वैसा मास्क वास्क टाइप का कुछ ना कुछ मिलने वाला है। चल के आते हैं पहले, ये रास्ता है प्रॉपर, यहाँ पर ना रास्ते बने हुए हैं, देखो बहुत ईजी हो जा रहा है यहाँ से नेविगेट करना। देखो एक लेफ्ट को गया हुआ है और एक ये वाला रास्ता है, तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा ऊपर। और मेरे पास सेलेन की कुछ चाहिए थी, वो मेरे पास है। मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से ना एक स्नो मोबाइल अपनी राफ्ट में चढ़ा के लेके जाऊँ, देखेंगे बाद में चढ़ाने का कैसा होगा। थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको लेके जाना ऊपर, क्योंकि मेरे को एकदम ना सटा के लगानी होगी, बट मैं शायद ले जा सकता हूँ, मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो ये हम लोगों ने पहले ही स्मेल्ट कर लिया था इसको,
अब जाके यहाँ पर सैलन की हम लोग यूज करने वाले हैं। और ये जो गेट है ये अब फाइनली खुल चुके हैं। तो मैं खाना लेके आ रखा हूँ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा। और यार ये क्यों लेके आया मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कोई होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट हम लोग ध्यान से चलते हैं थोड़ा तैयार होके। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे कुछ लेज़र वेज़र का कुछ काम हमको करना होगा अभी। तो रिएक्टर की चाहिए यहाँ के लिए। ओ ये खुला हुआ है, लेबोरेटरी में जाना है हमको, बट उससे पहले हमको पहनना है हैजमेट सूट पहन लिया हम लोगों ने। अब चलिए ठीक है, हम लोग सीधा चलते हैं। अब हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं, तो यही वाले सूट मेरे को वहाँ पर भी पहनने होंगे, जो कि बहुत सही चीज़ है। यहाँ पर ये क्या था, इसके लिए कुछ नहीं था, लेबोरेटरी ट्रू। और यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह देख रहा हूँ मैं, कुछ मिलता है तो। यार इसकी ना लाइफ है एक, ये ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा नहीं। चलते हैं अंदर। यहाँ पे कुछ है, सी आई है, सी एल है, 78। ओके, मुझे समझ में आ चुका है क्या चीज़ें हैं। ये वो पीरियोडिक टेबल वाला काम है यार, ये मुझे करना पड़ेगा। और मेरा लेकिन ये सूट, इसकी हेल्थ ख़राब हो रही है। एक सेकेंड, मैं देख के आ रहा हूँ, सी एल था, सी आई था, ओके वो था पहले, पी एम था, ओके मैं तो नाम भी भूल चुका हूँ, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल वाला है, पी एम 61, आर बी, ओके तीन हो चुके हैं क्योंकि इसमें ना टाइमर भी आएगा। और सी एल, आर बी, पी एम और एक और था, वो भी देख के आता हूँ फट से। कहाँ गया वो वाला, अरे ख़त्म होने वाला है यार ये, मेरे को ऊपर चढ़ना है। ओ बाहर चलते हैं। दो तीन चीज़ें थी ना मेरे को यहाँ के लिए, हमको कंट्रोल रॉड चाहिए 17, और मुझे 17 कहाँ पर टाइप करना है मुझे ये भी देखना होगा फट से। यहाँ पर 17 है, 61 है, ओके 61 दिख गया मेरे को, 17, 61 और 37 शायद यही है कोड, 17, 61, 37। 17 दूसरा कहाँ है, जल्दी जल्दी काम करना होगा नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। 17, 17, 17, 17, 61 और 37, ख़त्म होने वाला है टाइम मुझे ऐसा लग रहा है। ओ शिट, वो वाला कंप्यूटर कहाँ गया। और शिट नहीं है, ये नहीं है, कहाँ गया वो कंप्यूटर। 37, 37, 37, 37 खुल गया क्या गेट, नहीं खुला। और लड़का तो मैं वापस जा रहा हूँ, इस बार ट्राई करूँगा कि जो कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं ना उसी में हम लोग करें। सबसे पहले इस वाले में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, आर बी आई थिंक था 37, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। सी एल था हमारा 17, उसके बाद था हमारा 61, आर बी वो कहाँ गया, 61 वाला कहाँ गया, एक सेकंड। अरे मैं तो फिर से वापस बाहर आ गया यार, ख़त्म, मुझे लग रहा है टाइमर ख़त्म हो चुका शायद, टाइमर का बड़ा चक्कर है ना। नहीं, ख़त्म हो चुका, ओके 37, 61 और 17, 17। थर्ड वाला रूम किधर है, यार मुझे वो थर्ड वाला रूम ही तो नहीं दिख रहा, दिक्कत तो वहाँ पे है। 61 नहीं हुआ ना, ओके वापस से, यार मेरा ये भी ख़त्म होने वाला है। ओ शिट, नहीं, ये ख़त्म होने वाला है, मैं मर जाऊँगा। अब समझ में आया, वो मेरे को थर्ड वाला रूम नहीं मिल रहा था, इस बार हो जाएगा, लास्ट है, इस बार हो जाएगा। मेरे को लग रहा ऑर्डर कुछ नहीं, बस मेरे को टाइम, शायद टाइमर ख़त्म हो जा रहा था इस चक्कर में। चलिए, ओ नहीं, पहले फर्स्ट वाला ही हमको करना होगा तब, ये वरना एक्टिवेट भी नहीं हो रहा है। तो हम डालेंगे इसमें, नहीं पहले ही डालना होगा, क्यों खुल चुका क्या, ओ खुल चुका यार, ऑलरेडी खुल चुका है। ओके, फिर ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कि शायद लाइट बंद, यार मैंने ऑलरेडी इक्विप कर रखी थी और ख़त्म हो चुकी, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो शायद हम लोग अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके तो यहाँ पे एक और सेम टाइप की चीज़ें हैं। एक हमको पार्ट मिल चुका है, कंट्रोल रॉड हमको चाहिए 4, एक मेरे पास हो चुका है, मेरे को 3 और ढूंढनी है, और उसी के लिए अब हम लोग नेक्स्ट जो पज़ल सॉल्व करना है ना उसी के लिए
आई थिंक सेकंड, नहीं 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 ये कुछ और है, ये कुछ और है यार। यहाँ के लिए ना टॉर्च चाहिए, यहाँ लाइट तो है लेकिन बहुत कम। ओके खुल चुका है, लेकिन मैं पहले ऑल राइट हम चलते 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 चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। ओके यहाँ पे, यहाँ यार यहाँ पे कहाँ मिलेगा मुझे वो। ओके इसको घुमाने देते हैं, मेरे को कोई कोई तो आ रहा है यहाँ पर, कॉकरोच टाइप का कुछ। अरे यार ये मेरे को करने नहीं देंगे मुझे लग रहा है, इनको मारना पड़ेगा। ओके 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 जल्दी जल्दी करना होगा, हाँ इससे पहले कि कोई और आए और मुझे मारे, मेरा वो ख़त्म होने वाला है, हम लोग केमिकल से वैसे ही मर जाएंगे। होने वाला है, होने वाला है, ये कितना घुमा रहा है मेरे को स्टीयरिंग। अलर्ट, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओके इनको पिकअप कर लूँ क्या मैं, क्या था ये, मीट मिल गया। ऑलराइट गेट ओपन हो चुका है, अब हम चलते हैं यहाँ पे जल्दी 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 जल्दी। यार मुझे मिला नहीं वो, मुझे मिला नहीं यार वो। ऑलराइट हम लोग ऊपर आ चुके, वहीं पर आ चुका हूँ क्या मैं जहाँ से गया था? नहीं 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 कहीं और आया मैं शायद, नहीं यार यहाँ से हमको मिलना चाहिए था ना, कुछ मिला क्यों नहीं? मैं वापस ऊपर आ चुका हूँ, मेरे को लग रहा है कि पहले ना मेरे को एक ये खा लेना चाहिए। अब मेरे को थोड़ा ध्यान से ढूंढना होगा आसपास, कहीं इधर भी रखा हुआ हो सकता है। ऑलराइट यहाँ तो नहीं है, हाँ ये था ना यार, ये जगह है, यहाँ पर मिलेगा हमको अभी ऊपर। हाँ 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 यहाँ पर मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा कहीं ना कहीं तो पक्का होगा वो। ये है, यह एक पार्ट ये है, और उसके बाद कितने हो चुके हमारे पास, दो हो चुके हैं आई थिंक, दो हो चुके हैं, दो और चाहिए। ओके मुझे वो वाला गेट तोड़ना है शायद, लेबोरेटरी। ओ शिट वन शायद, मुझे लग रहा है यही गेट हमको तोड़ना है, नहीं या ये वाला तोड़ना है, ये वाला तोड़ना है। ओके मुझे समझ में आ गया, ये मूव करना होगा ना हमको कहीं से तो। ओके हो रहा है हाँ आई थिंक हो गया गेट खुल गया। यार यही मुझे समझ नहीं आया था लेजर लाइट वाला, यहाँ पर हमको एक वो मिला था, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट कलेक्ट कर लिया, अब चल रहे हैं यहाँ पे, और हाँ अब हमको यहाँ पर मिल सकता है और वो वाला पार्ट। ओके पहली बार अगर आओ तो ना सर दर्द बहुत होने वाला है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर हमारे पास एक और हेजमेट सूट पहनने का है, क्योंकि नीचे तो रिएक्टर है यार, कहीं ना कहीं होना चाहिए ना पहनने को। मुझे ऊपर से पहन के आना पड़ेगा क्या? हाँ मुझे लग रहा है कि कुछ तो। ओके मुझे समझ में आ चुका है, अब जाके गेट खुला यार, मैं इतने देर से भटक रहा हूँ कि कुछ तो खुलेगा, कहीं तो मुझे जाने को मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, हाँ मैं यही तो ढूंढ रहा था ये जो सूट है, अब हम यहाँ पर जा सकते हैं। और क्या मुझे यहाँ पर वापस से ये लेजर वाला शो करना पड़ेगा क्या? नहीं यार नहीं 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 नहीं, यहाँ पर मुझे क्या तोड़ना है पहले तो मुझे ये देख के आना होगा, मुझे तोड़ना क्या चीज़ है यहाँ पर, ये नहीं तोड़ना, मुझे तोड़ना क्या है, मुझे शायद ओके ये वाला गेट तोड़ना है शायद। ओके ये ओ शिट उसके बाद ये जाएगा शायद यहाँ पे। ओके खतरनाक लग रहा है, अब इसको हम लोग अगर घुमाएं, नहीं यार इस पे तो नहीं आने वाला है। यहाँ से शायद घुमा के कुछ करना होगा मेरे को लग रहा है, आई थिंक मेरे को इसको घुमा के ना। यार मेरे को वापस से अपना कपड़े चेंज करने आने आके हो,
कपड़े चेंज करके आने होंगे मुझे वापस से। एटलीस्ट यहीं पे पास में ही है तो हम लोग आ सकते हैं बार बार। इसको तो हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, तो ये तो एकदम सही जगह नहीं। यहाँ इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं रोटेट। ये मैंने कर लिया, अब मुझे इसको ना किसी तरीके से डायरेक्ट करना है। ये वाली जो लेज़र है इसको यहाँ पे, यहाँ पे, ओ यहाँ से हो जाएगी शायद। थोड़ा सा इसको रोटेट करना होगा। यार ये ना बड़ा अजीब सिस्टम है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो वापस से मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को समझने में टाइम लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बना रखा है यार ये। आई थिंक ये सही है, ठीक है। अब जाके मुझे ये समझ में आया कि मिरर का बहुत इस्तेमाल है, मिरर के बिना हो ही नहीं सकता है। मैं सिर्फ इनसे टकराने की कोशिश कर रहा था। और ये मैं कहाँ पर डाल रहा हूँ मिरर में, इधर पर भी हम कर सकते नहीं, इस वाले में ही रह गया, एकदम सेंटर में लेके जा रहा हूँ। और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है यहाँ पर। बट इसमें चाहिए मुझे यार किसी तरीके से, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ देखना होगा मेरे को यहाँ से ना, देखते रहना होगा। नहीं, ओ मुझे लग रहा है कि गई उसमें, उसमें गई। ओके 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 ओके। उसके बाद मुझे इसको रोटेट करना है शायद, मुझे लग रहा है कि शायद यही होने वाला है। इसको मुझे रोटेट, नहीं 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 नहीं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, ज़्यादा नहीं है लेकिन हम लोग काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। मुझे ना इसको इस पर रिफ्लेक्ट कराना है। समझ आ गया, देखो लॉक पर जाने वाला है, लॉक पर जाने ही वाला है। और उसके बाद हम लोग धीरे 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 करके यहाँ पे, तो ये था पूरा काम यार, फाइनली हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ऑलराइट, तो अपने को थर्ड पार्ट मिल चुका है। और इसके बाद मुझे एक और कंट्रोल पार्ट चाहिए ना, तीन कंट्रोल पार्ट मिल चुके हैं अपने को, एक और चाहिए मुझे फोर्थ वाला लास्ट। यहाँ पर ये कुछ खाने का सामान मिला है, अब हम चल रहे हैं ऊपर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वही कि थोड़ा ना समझने में टाइम लगा मुझे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर भी कुछ है क्या, एक नोट मिला मुझे लग रहा है, इंसर्ट कंट्रोल रॉड्स। अरे नहीं नहीं, अभी कंट्रोल रॉड्स कहाँ से, अभी तो है ही नहीं मेरे पास कंट्रोल रॉड्स। नोट है यहाँ पे एक यार, यहाँ ना और कोई गेट नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है। इनका कुछ काम होगा, नहीं कुछ तो होगा, मेरे को फोर्थ वाला नहीं मिल रहा, फोर्थ वाला ढूंढना है मुझे। फोर्थ कहाँ से मिलेगा हमको, तीन तो अपने पास हो चुके हैं, फोर्थ वाला ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ पर तो डायरेक्ट हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं, क्या यहाँ कहीं पर होगा, मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से यहाँ पर मिलने वाला है हमको। बट फिर भी मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर। रिएक्टर की कहाँ से मिलेगी अभी हमको। ओके, मैंने एक लगा दी, दूसरी लगा दी मैंने, थर्ड लगा दी, और फोर्थ हमारे पास है ही नहीं अभी। एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, तीन ही तो चाहिए थे यार, मैं कहाँ फोर्थ ढूंढ रहा हूँ। मुझे ऐसा समझ आ रहा था कि फोर चार रिएक्टर कंट्रोल रॉड चाहिए, बट नहीं। ओके, रिएक्टर की हमको मिल चुकी है यहाँ से। ओके, तो रिएक्टर की यहाँ पर लगानी है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है देख के पता चलेगा। फिलहाल खाना वाना खा लेता हूँ, मैं खाने का ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा खाना वाना, आलू आलू खा लेता हूँ बॉईल। एक हम ये मिली मेरे को यार, इनका इस्तेमाल वेंडिंग मशीन का अभी कहीं पर होगा आगे फ्यूचर में, मुझे पता। अरे यार वापस से वही सब चीज़ें आ गई है। ऑलराइट, अंदर चलो। और भी है क्या यहाँ पे, आजा 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 चल जा। मेरे को लग रहा है कि लिमिटेड है, पहले इनको ना मार लेता हूँ, बहुत इजी है इनको मारना। वापस से मैं इक्विप कर रहा हूँ इसको, अब हम चल रहे हैं अंदर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ओ ये वही घुमाने वाला है, ओ इनको अंदर डालना है मेरे को, तीन तीन जगह करना होगा शायद। हाँ कुछ तो खतरनाक हम लोग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, एक कर लिया मैंने। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, मेरे को ये इसकी छाया दिख रही इतनी बड़ी, आ जाए तो पहले। मुझे लग रहा है तीन उसकी रखवाली करने के लिए तीन होंगे यहाँ पे, ठीक है। कर लिया मैंने, इसको भी मार लिया। एक और इक्विप करते हैं, वापस चलते हैं सेकेंड वाले को, क्योंकि अगर मैं इनको बिना मारे करूँ ना तो ये मेरे को जान से मार डालेंगे। अगर मैं यहाँ पर चढ़ के करूँ, आ रहा है क्या मेरे को मारने के लिए, पता नहीं। यहाँ अगर मर गया ना तो बहुत दिक्कत होने वाली, मेरे को बहुत दूर जाना पड़ेगा।
अलर्ट हो चुका है। चुपचाप चुपचाप चलते हैं। ओ शिट नहीं, दो आ गए, इनको पहले मारना पड़ेगा मुझे। या मैं चुपचाप जा सकता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जा सकता हूँ, मैं आराम से कर सकता हूँ जाके, कोई टेंशन नहीं लेनी मुझे। ओ शिट नहीं, बहुत ज़्यादा लोग आ गए अभी तो यार, ये एक बार इनको मारना पड़ेगा। आ जाओ अंदर आ जाओ। ऑलराइट, अब हम आराम से करते हैं, हमको आखिरी वाला करना है, इसको मारो पहले, एक दो में मर जाएगा। बहुत आसान था यार, मेरे को भागना नहीं चाहिए था, मेरे को ना अपना जो सूट मैंने पहना हुआ है हेजमेट वाला, उसका भी ध्यान रखना है, वो भी तो उसकी तो लाइफ ख़त्म हो रही है ना, मतलब वो चीज़ है। लास्ट वाला है, हम लोगों ने जो तीन रॉड ढूंढे थे ना ऊपर से डाले थे, यहाँ से हम लोग इसको और अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होने वाला है नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है, कोई गेट ओपन हुआ है। गेट ओपन हुआ है एक। ओके, अब यहाँ पर मुझे जाना है, नहीं एक सेकेंड। ओके, जो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा था वो हम लोगों ने एंड कर लिया, हमको वही करना था और हम लोगों ने कर लिया उसको। तो अब जाके गेट ओपन हुए तो हैं कहीं के। देखो ये सब मर गए यहाँ पे, ये देखो सब शांत हो चुका है ना, यही हमको करना था। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो अब समझ आया, मैं काम करने तो निकला था, मुझे मकसद नहीं पता था अपना कि मुझे क्या कर रहा है, लेकिन अभी पता है। ओके, तो यहाँ पे सब शांत है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं क्या, कुछ भी बटन दबाने से पहले ना सोच लेना होगा मेरे को कि ध्यान से दबाना है। बंद कर लिया मैंने, क्या था, बंद कर लिया मैंने। ब्लूप्रिंट मिला मेरे को एक, कौन सा ब्लूप्रिंट है, यूटोपिया वाला हमको मिल चुका है, कोड मिल गया ना, इसका मतलब हम लोगों ने काम कर लिया। यूटोपिया लास्ट होने वाला शायद आइलैंड। एक हमको ना ये मिला हुआ है, ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक स्मेल्टर, अरे वाह। यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान है और उसके अलावा ओ ये कौन है, ये कौन है, आई स्वेयर इट्स एक्चुअली प्रैक्टिकल। इसको बचा दिया मैंने यहाँ से, तू करते रहे बात, मैं एक सेकंड कुछ चीजें देख रहा हूँ, मेरे को लूट करके मेरे को निकलना भी था यहाँ से। शोगो को मैंने बचा लिया, चलो ठीक है, एटलीस्ट मैंने एक बंदे की जान बचाई यहाँ से। अब गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं है, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, हमारा हो चुका है काम खत्म, सीधे पहले चलते हैं हम लोग बाहर। स्नोमोबाइल को मैं लेके जाने की कोशिश करूंगा अपने एरिया तक, अपने राफ्ट तक, अगर लेके जा पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमको कुछ नहीं करना, हम लोग यहाँ से जाएंगे राफ्ट में और जो नई चीज़ें हुई हैं उनको लर्न करके ना बनाने की कोशिश करूंगा मैं। एक यहाँ पर मेरे को मिला, इन टोकन का कहाँ पर इस्तेमाल होगा यार, अभी तक मुझे नहीं पता चला। आगे शायद कहीं पर कुछ वेंडिंग मशीन थी तो बाहर में, उस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ का पूरा माहौल ही बहुत शांत हो चुका है यार, बहुत शांत हो चुका है, इसको लेके चलते हैं इस बार। मुझे यार छोड़ो यार, अभी कुछ ना खास था नहीं वहाँ पे, गमले वमले थे, उसको लेके क्या करूँगा मैं, है ना, वेंडिंग मशीन से। तो हम लोग अभी चल रहे हैं, एक सेकंड मैं देखूँ जरा, वेस्ट में जाना था हमको। ओके, हम लोग सही जा रहे थे, यहाँ से हमको थोड़ा सा लेफ्ट जाना और हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी राफ्ट में। देखो मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं सारी के सारी, मुझे लग रहा है शायद इसी जगह पर मैंने राफ्ट खड़ी करी थी अपनी, मुझे लेकिन अभी तक ना राफ्ट दिखी नहीं अपनी। अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे अपनी राफ्ट दिख रही है, कुछ तो मुझे दिख रहा है सामने, वो क्या चीज़ है, मेरी राफ्ट है ऑलराइट, मेरी राफ्ट है। इसको अगर हम लोग ना यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर बस, और अब मैं वहाँ से अपनी राफ्ट को बैक करके लेके आता हूँ, तो हम लोग इस स्नोमोबाइल को अपनी राफ्ट में चढ़ा पाएंगे, यही मुझे काम करना है। अलर्ट, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी जो राफ्ट है ना वो लगा ली है सही जगह पे, ठीक है, मैं वहाँ से एकदम हाई स्पीड में उसको लेके आऊँगा। अलर्ट हम लोग लेके जाने वाले, मैं ऐसे सारी की सारी भी लेके जा सकता हूँ, बट एक तो हम लोग लेके जाएंगे यहाँ से, यहाँ तक लेके आए हैं इसको। हम लोग चलते हैं अंदर थोड़ा सा, वहाँ से स्पीड में लेके आऊँगा, ठीक है, और उसके बाद सीधा अंदर राफ्ट के, भले इसका कोई यूज होने वाला नहीं है बट फिर भी हम लोग लेके तो जाएंगे इसको। अब इसको मैं यहां से मूव भी कर सकता, यार ये क्या हुआ, मैं इसको यहां से मूव भी नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। यहां तक तो लेके आ चुके हैं इसको हम लोग, यार ये बिल्कुल ही नहीं चलेगी ना, मैं इसको अंदर पार्क कर देता कहीं पर, बट कैसे, चलिए ठीक है हो चुका है, हम लोग अभी चलते हैं। अब इसको और कहीं पर कुछ लेके जा नहीं सकते हम लोग, इसको करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, या फिर एक काम करते हैं, अभी
इंजन बंद करते हैं और जो भी चीज़ें मिली है ना एक बार उसको लर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे, ठीक है। 1, 2, 3। अलग गैस, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्मेल्ट करके रख लिया टाइटेनियम। यहाँ पर ना हमको ब्रिक चाहिए, क्ले वाली वेट ब्रिक चाहिए, ड्राई ब्रिक चाहिए हमको ये बनाने के लिए। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक स्मेल्टर बनाने के लिए कहाँ गया ये, 10 चाहिए। 4 तो मैंने इकट्ठा कर लिया लेकिन 10 मेरे पास नहीं है और 10 अभी हो भी नहीं पाएंगे। हमको आइलैंड पर जाना पड़ेगा, ब्रिक्स बनानी पड़ेंगे बहुत सारे, उनको फिर ड्राई करना पड़ेगा और क्ले ना थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, तो इतना मेरे पास था मैं कर पाया। तो अभी इसको हम लोग नहीं कर सकेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी हम लोग। उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो हम लोग करने वाले एडवांस बायोफ्यूल रिफाइनर पहले मैं बनाता हूँ, उसके बाद हम लोग जो दूसरा एंकर है वो बनाते हैं। सबसे पहले ये बना लेते हैं और इसको हम लोग ना अभी यहाँ पर कहीं पर लगा सकते हैं गाइस, मेरे को जितना पता है आई थिंक ऐसे, और ये इससे कनेक्ट हो चुका है। अब हम इससे बना के हमको वहाँ से इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम लोग डायरेक्ट रॉ फूड डाल सकते हैं या और क्या क्या डाल सकते हैं, मैं एक बार देख रहा हूँ, रॉ फूड ही डाल सकते हैं इसमें हम लोग शायद, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार रॉ फूड इकट्ठा करता हूँ मैं यहाँ से। और भी चीज़ें डाल सकते हैं, हेड वेड भी हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो पहले यहाँ से रॉ फूड इकट्ठा करता हूँ थोड़ा सा, इनको साथ साथ लगा भी देता हूँ। अब मेरे को ना एक ये बड़ा फार्म बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा बायोफ्यूल बना पाएँ। तो बायोफ्यूल बन के डायरेक्ट इसमें इकट्ठा होता रहेगा और वहाँ से वहाँ चले जाएगा, तो बहुत ही चीज़ें आसान हो गई है, बहुत काम आसान हो गया अपना। इसको डाल लेते हैं यहाँ पे, और हमारे पास कुछ कुछ है, मैं एक बार देख रहा हूँ खाने में रॉ फूड, यार पोटैटो वगैरह है बट कम है, मुझे लगता है कि ये फिश वगैरह से भी कम होता है, हाँ एग से होता है और मिल्क। अलग मेरे पास ना ये वाला हेड है, मैं इसमें से 2 लेके जा रहा हूँ, और उसके अलावा यहाँ पर और कुछ चीज़ है नहीं हमारे पास, उससे हम लोग बायोफ्यूल बनाते हैं, बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ज़्यादा भी बनेगा। ट्राई कर लेते हैं एक बार, पहले तो एक ये हेड में डाल रहा हूँ, एक ये हेड में डाल रहा हूँ, उसके अलावा हमारे पास मिल्क है और उसके अलावा हमारे पास एग्स हैं, ठीक है। तो बायोफ्यूल बनेगा इसमें, शायद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अभी हो नहीं रहा, प्रोसेस हो रहा होगा, कितना लगेगा इस, एक दिखा रहा है इसमें, ये फुल हो चुका है, तो इसमें एक बार में शायद पूरा भरेगा या नहीं भरेगा ये पता नहीं। मैं एक बार देख रहा हूँ कि और कोई कनेक्शन तो नहीं कर रहा है ना हमको, डायरेक्ट इसमें से चला जाएगा। एक ओ हनी भी रिक्वायर होता है, मैं कैसे भूल गया, हनी भी चाहिए इसके लिए, 3 से शायद काम हो जाएगा। मैं वेट करता रहता हूँ और ये बनता नहीं, 3 नहीं मुझे लग रहा कि 4 लगेगा। ओके एक और डालता हूँ हनी, ओके अब बन जाएगा। तो ये हमारा काम बहुत ही आसान हो गया, डायरेक्ट हमको ना डालने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा, अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा। एक चीज़ तो हम लोगों ने बना ली, अब मुझे दूसरा भी करना है, ये कितना सारा सामान आ रखा है यार यहाँ पर। और लट तो मैंने कुछ यहाँ पर लैंटर्न भी लगा दी, अब जाके थोड़ा रोशनी यहाँ पर हो रही है। कॉपर भी साथ साथ ना स्मेल्ट करने रख देता हूँ, कॉपर भी हमको चाहिए होगा, अभी ज़रूरत पड़ सकती है। अलट तो अब हम लोग चीज़ें बनाते हैं, मेरे पास यहाँ पर स्क्रैप वगैरह तो था शायद ना, और स्क्रैप ख़त्म हो चुका है, स्क्रैप लेकिन था मेरे पास बहुत सारा, ऐसा ना हो कि स्क्रैप मैंने सारा ख़त्म कर दिया वहाँ पे, यार ऐसा ना हो, स्क्रैप तो था ना मेरे पास। एक सेकेंड, स्क्रैप मैंने कहीं तो रखा था मुझे याद है, स्क्रैप 4 है अपने पास, चलो ठीक है इसकी ज़रूरत अभी शायद स्क्रैप की ना नहीं पड़ेगी। हम लोग बनाने वाले हैं स्टेशनरी एंकर, लास्ट आज का आइटम, ये क्राफ्ट कर लिया, अब जाके मुझे स्टेशनरी ना एंकर लगाना है। इसको लगाना कैसे मुझे ये देखना है, मुझे लग रहा है कि शायद ये नीचे ही लगेगा और इंजन से कंट्रोल होगा ऐसा कुछ, तो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा मेरे को, और स्टेशनरी जो एंकर है ना इसको लगाने के लिए, यार इसको लगाने के लिए क्या चाहिए, क्यों नहीं लग पा रहा है, एक ही ब्लॉक चाहिए हमको वैसे, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको 2 हटा के। ओके अब लग जाना चाहिए, हाँ लग गया। बहुत मुश्किल था इसको लगाना यार, यहाँ पे सरदर्दी हो गई बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड, ये मुझे ये करना है, ओके अब जाके फाइनली हुआ। तो अभी हमारा एंकर ऊपर है और हम लोग, मैं ये कंट्रोल कभी नहीं देखा था मैंने, हम लोगों ने अब ये एंकर ड्रॉप कर लिया है, ठीक है गाइज़, यहाँ पर हमारा एंकर अब ड्रॉप हो चुका है। ये कुछ काम का नहीं है इसमें, ऐसा मुझे लगा था कि यहाँ कुछ बटन होगा, या फिर मुझे लग रहा था कि जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक नहीं है, ये बटन है। अब हम यहाँ से आराम से जा सकते हैं।
तो गाइस यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम मुझे ये लग रही है कि थोड़ा सा ना गेम में कुछ बग हो गया, हमारी राफ्ट आगे नहीं बढ़ पा रही। तो उसका रीज़न मुझे लग रहा है कि हम लोग स्नो मोबाइल लेके आए थे ना, वो भी यहाँ से गायब है। मैंने नोटिस नहीं किया, अभी जस्ट देखा कहीं भी ना राफ्ट कहीं पर लग नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अगर बैक भी लेके चल रहे हैं ना तब भी नहीं जा रही, तो बहुत दिक्कत हो रही है। गेम बंद करूँगा, शायद ये फिक्स हो जाए। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इसी के साथ हमको आज का एपिसोड यहीं पर एंड कर लेना चाहिए। हम लोगों ने जितना कुछ हो सकता था कर लिया, तो बाकी जो बची हुई चीज़ है ना, यानी कि हमको एक ही चीज़ बनाना है, इलेक्ट्रिक स्मेल्टर। हम लोग बाद में बनाएंगे जब किसी ग्रीन वाले आइलैंड पर जाएंगे वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग शायद इसको एंड भी कर लेंगे, या उसके बाद एक और एपिसोड आएगा, नहीं पता। बट मुझे लग रहा है कि अब ये एंड होने वाला है। नेक्स्ट वाला जो एपिसोड होने वाला है बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि लास्ट वहाँ पे एक बॉस फाइट भी होने वाली है। तो फिलहाल आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता है आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।